आपके हस्बैंड ने आपको वैल्यू देना चाहिए, इसलिए क्या करें, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकास, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कभी सारी लेडीज कंप्लेंट करती रहती है कि मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है घर में, मुझे कोई वैल्यू देता नहीं है, हस्बैंड भी वैल्यू देते नहीं है, ऐसे बोलते रहती है। तो अपनी खुद की कीमत अपने को बढ़ाना पड़ती है, अपनी वैल्यू अपने को बनाना पड़ती है। लोगों ने अपने को रिस्पेक्ट देना, वो अपने को बढ़ाना पड़ेगा तो वो होगा। तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। नंबर एक, खुद का स्वीकार करना चालू करो, एक्सेप्ट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? तो क्या होता है कि हर लेडी को ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैं घर के काबिल नहीं हूं, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूं, फिर मुझे लोग कीमत देते नहीं है, फिर मैं दिखने में इतनी अच्छी नहीं हूं, फिर मेरा यहां यूज किया जाता है, वापर किया जाता है, मेरे को बहुत काम करने लगाते हैं। मतलब अपने कोसते रहती है, अपने को दोष देते रहती है, कहां मैं ये घर में आ गई। तो ऐसा दिमाग में चालू रहता है और उसमें फिर वो खुद का स्वीकार नहीं करती। तो खुद का जैसी है वैसा स्वीकार करो, जैसी है वैसा, और जैसी नहीं है वैसा। जब आप खुद का स्वीकार करना चालू करेंगे, बाद में खुद को एक्सेप्टेंस जब आएगा तब आपको खुद को रिस्पेक्ट भी आएगा। और फिर जब आप आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप आपको रिस्पेक्ट करेंगे, तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आप ही अपने को गए बिता समझती है, आप ही अपने को वैल्यू देती है, लोग कैसे वैल्यू देंगे। तो रोज सुबह आईने के सामने खड़े रह के पॉजिटिव अफर्मेशंस दो कि आई लव माई सेल्फ, मैं खुद के ऊपर प्यार करती हूँ, मैं खुद का मान सम्मान करती हूँ, और मैं एकदम बेस्ट पत्नी हूँ। इस तरह के खुद को लाइक आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, एंड आई एम द बेस्ट। ये खुद ऐसा खुद को सजेशन दो, अफर्मेशंस दो, और उस तरह का जीवन रोज जियो, तो देखिए एकदम फर्क पड़ जाएगा। नंबर दो, डिस्कवर एंड डेवलप योर टैलेंट्स। आपकी जो प्रतिभा है, आपके जो कौशल्य है, उसको डेवलप करो, उसको पहले खोजो और उसको डेवलप करो। अब ये कैसे करेंगे? देखिए क्या होता है कि शादी होती है, शादी के पहले बहुत सपने रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, मगर शादी के बाद प्लानिंग किया तो ठीक है, नहीं प्लानिंग किया तो तुरंत एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया। और उसमें होता क्या है कि बच्चों की परवरिश करते करते, घर का देखते देखते, खुद की जो प्रतिभा है, खुद के जो कौशल्य, धीरे धीरे भूल जाते हैं। थोड़े से बच्चे बड़े होने तक उम्र 35-40 की हो जाती है, और यदि 40 के और को पूछा कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके पास में क्या टैलेंट है, तो बोलते कुछ नहीं, मैं तो ये सब भूल ही गई है, और कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कुछ करने के लिए, क्योंकि तब तक सब कॉन्फिडेंस निकल जाता है। तो तभी भी 35 की उम्र हो, 40 की उम्र हो, जो भी है, एक तो शुरुआत से काम बंद नहीं करना चाहिए शादी के बाद में या बच्चे होने के बाद में। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, 3-4 महीने का 5 महीने का, तो काम चालू करना पड़ता है। और दूसरा, यदि काम कोई कारण से बंद करना पड़ा हो, तो तुरंत कोई ना कोई काम करना चालू करो, सीखना चालू करो। जैसे आप कुछ सीखते हैं, अपने जो टैलेंट है उसको डेवलप करते हैं, समझो आपको योगा अच्छा आता है, आप योगा क्लासेस चालू करते हैं, आपको आपका टाइम भी जाएगा, आपकी खुद की कीमत भी लो करेंगे, आप भी अपनी कीमत करेंगे। मेडिटेशन के कुछ क्लासेस है उनके साथ साथ, फिर कोई कंप्यूटर के क्लासेस है, अपने को ट्यूशन लेनी आती, बच्चों को जमा करो, कुछ प्राइमरी कॉन्वेंट के बच्चे हैं उनको जमा करो और ट्यूशन चालू कर दो। कोई ड्राइंग पेंटिंग क्लास है, कोई कुकिंग क्लास है, कोई ब्यूटी पार्लर क्लास है, ऐसा कुछ भी आपको जो भी आता है वो लोगों को सिखाते हैं, तो अपनी भी प्रतिभा है, उसका विकास होता है, कुछ पैसा भी कमाई कर सकते हैं, टाइम भी अच्छा जाता है, और अपने को भी अच्छे अपने बारे में लगेगा, और फिर लोग भी आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि आप बिजी है, आप खाली पीली नहीं बैठी हुई है, आप को लोग मानते हैं, आप कमाती भी है, तो सब आपका सम्मान करेंगे। तीसरा है कि आप कंप्लेन करना छोड़ दो। जब आप कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो, तो आप खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेते नहीं है, आप लोगों के ऊपर दोष देते, लोगों के ऊपर ब्लेम करते, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, वो वैसा है, वो वैसा है, एंड हस्बैंड को बोलेंगे तुम घर पे आती नहीं, बच्चे ऐसे है, सांस मेरी ऐसी है। तो कंप्लेन करने की बजाय जो भी आपको ऐसा लगता है कि वो जो है हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो वहां जिम्मेवारी लो, और जिम्मेवारी लेके वहां कुछ एक्शन ले लो, रादर देन कंप्लेनिंग, शिकायत करने के बजाय कुछ ना कुछ वहां क्या कर सकते, क्या कर सकती हूं कि जो मैंने कर दिया तो ये सिचुएशन बदल जाएंगी। तो जिम्मेदारी लो और एक्शन लो, और कुछ भी बारे में कोई भी कंप्लेंट नहीं करने की। क्या होता है कि हस्बैंड घर में आता है शाम को थका हुआ, और उसको लगता है कि घर जाके आराम करेंगे, गरम गरम कॉफी पियेंगे, थोड़ा पोहा खाएंगे या टीवी देखेंगे। जैसे ये घर में जाता है हस्बैंड, इसका तोफखाना चालू हो जाता है, पूरे दिन भर की राम कहानी चालू,
बच्चों ने कैसे तकलीफ दिया, सास ने कैसे ताने खींचे, ताने मारे, है ना। वो नल वाला आया नहीं है तो नल बह रहा है, या इलेक्ट्रिशियन नहीं आया तो उसका प्रॉब्लम है, या फ्रिज का प्रॉब्लम है, या और कुछ प्रॉब्लम है, या काम वाली भाई आई नहीं है, तो ऐसा आप कंप्लेन करेंगे तो उसके बदले उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो वो जो सोल्यूशन लेके हस्बैंड के पास में जाओ, कंप्लेन लेके मत जाओ। चौथा, कुछ भी सजेशन देने का नहीं है। आप जब सजेशन देते हैं, सूचनाएं करते रहते हैं, तो फिर वो एडवाइस देते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। आप, आपका हस्बैंड कार चला रहा है, आप बाजू में बैठी और बता रही कार कैसे चलाना, अब इधर लो उधर लो, यहाँ पार्क करो वहां पार्क करो, उसको आता है और आपको लगता है कि उसको आता है तो आप खुद ड्राइव करो। बच्चों को सजेशन देना, इस तरह उठो, इस तरह जाओ, यहाँ काम करो, उधर का ये पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं। किसको भी सजेशन देना आपको अच्छा लगता, लोगों को अच्छा लगता नहीं है, फिर वो आपको अवॉइड करना चालू कर देते, बोले सजेशन देते रहते, ज्यादा सिखाते रहती है। सजेशन भी देना है तो उसकी कला है कि पहले अप्रिशिएट करो, फिर कुछ सजेशन दो और बाद में अप्रिशिएट करो। तो अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन बीच में सजेशन, अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन बीच में आपको कुछ टीका करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो सैंडविच अप्रोच उसको बोलते हैं, तो सैंडविच अप्रोच करने का है। सजेशन तभी देना है जब कोई पूछता है तो सजेशन दो, या कोई आपको पैसा देता है तो सजेशन दो, नहीं तो फालतू सजेशन देने में मतलब नहीं है, लोगों को अच्छा लगता नहीं है। तो नेक्स्ट पांचवा जो पॉइंट है, गिव रिस्पेक्ट, मान सम्मान दो। जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देंगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा बोला जाता है कि लोगों को मान दो और मान लो फिर बाद में, मगर हम मान देते नहीं है, हम चाहते हैं कि लोगों ने मान देना चाहिए। किसी को ऑर्डर देना, डिमांड करना, एकदम ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, नीचे दिखाना, किसको नीचा दिखाना, मतलब ऐसा इसमें लोगों को अच्छा लगता नहीं, फिर आपकी वैल्यू करते नहीं है। आपके बोलने में हरदम ये शब्द आते हैं कि प्लीज प्लीज ये करो, प्लीज वो करो। आप ये बोलते हैं कि क्या मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, एक विनती है मेरी, क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ, मतलब यहाँ से शुरुआत करते हैं आप, एक विनती कर सकती हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये आप ये कर सकते हैं। और कोई कुछ करता है तो उनको थैंक यू बोलते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, लोगों को भी अच्छा लगता है और लोग आपका मान सम्मान करेंगे। छठवां है कॉम्पेंसेट करो। कॉम्पेंसेशन करना मतलब भरपाई करना। क्या होता है कि हस्बैंड को नहीं आता है कुछ, या वो वीक है, या उसको टाइम नहीं है, जो भी कुछ है, तो आप उसमें कॉम्पेंसेट कर सकते हो रादर देन कंप्लेनिंग। कि आप बाजार में जाते नहीं हो, सब्जी लाते नहीं हो, या किराना लाते नहीं है, या बैंक में जाते नहीं है, तो हस्बैंड को टाइम नहीं है सब करने के लिए, समझो वो बिजी है, तो आप अभी कॉम्प्लीमेंट्री रोल आप कर सकते हैं, कॉम्पेंसेटरी रोल कर सकते हैं कि ठीक है बैंकिंग के लिए उनको टाइम नहीं है, आप उनको सपोर्ट करो बैंकिंग के लिए। अच्छा कोई खरीदी जाना है, खरीदी करना है, उसके लिए टाइम नहीं है, तो चलो उसको सपोर्ट करो खरीदी करने में, किराना सब्जी मार्केट उसमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं। बच्चों बच्चों के स्कूल में जाके फीस भरने को या टीचर को मिलने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है आप करो, मतलब आप जो जो काम अपने ऊपर ले सकते हैं और उसका भार हस्बैंड का भार हल्का कर सकते हैं, तो हस्बैंड को अच्छा लगेगा कि ये मेरी सपोर्टिंग सिस्टम है, ऐसा उसको लगेगा। और फिर सपोर्टिंग सिस्टम है वाइफ, तो फिर वो मान सम्मान करेगा आपका। तो ये छठवां हो गया। और सातवां हो गया कि हस्बैंड को क्या चाहिए वो हमेशा उसको देते जाओ। उनको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए वो देने का नहीं है, मतलब आपको लगता है कि उनको क्या चाहिए तो आपको जो लगता है वो देने का नहीं है, उनको क्या चाहिए वो देने का है। सादा सीधी बात होंगी कि भाई हस्बैंड को ये चाहिए कि खाना खाने के समय उसको गर्म खाना मिलना चाहिए, और उसको लगता है कि ये मिल गया तो अपन खुश है तो वो दे दो। उसको ये चाहिए कि सवेरे ब्रेकफास्ट इतने बजे मिलना चाहिए सवेरे, तो फिर वो दे दो। या उसको ये चाहिए कि उसके प्रेस के किए हुए कपड़े जो है वो टाइम पे लाके उसको हैंगर को लटका दिए, तो वो करो। मतलब सामने वाले को क्या चाहिए तो एक उनको वो लैंग्वेज समझती है, उनको वो अच्छा लगता है, मतलब उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए कि उसको लगेगा ये काम यदि वो करती है तो उसको सपोर्ट हो जाएगा ना। उसको डिनर टेबल पे बैठे तो उसको ये चाहिए कि भाई साथ में खाना खाएंगे तो चलो साथ में खाना खाते हैं। या उसको लगता है कि नहीं पहले मेरे को परोस दो बाद में आओ खाना खाओ, तो वैसा करो। तो जब सामने वाले को जो चाहिए, हस्बैंड को जो चाहिए वो आप उसको देंगे, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। हम क्या कहते हैं कि मुझे चाहिए वही मैं करूंगी या करूंगा, तो मुझे चाहिए वो नहीं, आपको क्या चाहिए। तो आप जब लोगों को जो चाहिए वो आप लोगों को देंगे, मतलब हस्बैंड को जो चाहिए वो हस्बैंड को देंगे, तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। तो ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आप एक घर की बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाएगी, सबके दिमाग में आपके प्रति बहुत महत्व आ जाएगा।
आदर आ जाएगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपकी वैल्यू बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा। एक आपका जो संसार है हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा बनपेगा, खुशियाली आएंगी। तो ये भी आपको अच्छा लगा तो जरूर वो सभी हाउस वाइफ्स को या सभी सर्विस में या प्रोफेशनल्स हो सभी लेडीज को शेयर करो ताकि वो अपने जीवन में ला सकेंगे और अपना जीवन है वो खुशहाल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।